मैं निराश हो गई थी जब मुझे पता चला कि मुझे मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी है। उन्होंने बोला ये प्रोग्रेसिव है, 40 इयर्स तक आप व्हीलचेयर पे आ जाओगे या बेड रिडन हो जाओगे, आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को अफेक्ट हो सकता है, आपके हार्ट के मसल्स को अफेक्ट हो सकता है, मतलब सारी नेगेटिव चीजें ही बोला। शुरुआत का समय चाहे जो भी हो, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी से गतिशीलता में कमी और यहाँ तक कि लकवा भी हो सकता है। नहीं बोलते कि मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी ये ठीक हो सकती है, ये धीरे 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 करके हमारे मसल्स को वीक करते जाते हैं। She was curious, मुझे लगा कि सही में मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी का कुछ हो सकता है। आमतौर पर डॉक्टर मरीजों का इलाज और बीमारियां बड़ी और जानलेवा हो तो डॉक्टरों को मरीजों को हौसला भी देना पड़ता है ताकि वो अपनी बीमारियों से लड़ सके। लेकिन अगर किसी डॉक्टर को ही कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो कभी ठीक ना होती हो, तब उस डॉक्टर पर क्या बीतती होगी इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ऐसा ही कुछ हुआ झारखंड जमशेदपुर की रहने वाली 23 वर्षीय MBBS डॉक्टर श्रेया राणे इनके साथ। डॉक्टर श्रेया राणे पिछले कुछ सालों से एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसका इलाज लगभग असंभव है, जिसका नाम है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, जिसे हिंदी में मांसपेशीय दुर्विकास कहा जाता है। लौट गई थी तो उसके बाद डायग्नोस हुआ कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिसके सिम्टम्स मुझे 2019 से ही आ रहे थे, धीरे धीरे आना शुरू हुए। जब मैं एक दिन अचानक से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं दोनों दीवार के सपोर्ट लेके मैं क्लाइम करूँ, फिर धीरे धीरे मेरा वॉकिंग से फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी कॉलेज में, तो बाकियों से पीछे हो जा रही थी धीरे धीरे, तो मैं बोली कि नहीं बस है कुछ प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम चल रही थी, फिर पिछले 3 साल से ये चली रही थी। तो फिर हम कुछ दिन बाद बिलौर गए, सारे टेस्ट सब कुछ हुआ, उसके बाद न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को रेफर किया गया, तो उधर बताया कि कुछ सारे टेस्ट के बाद ईईजी एक होता है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी का अर्थ अनुवांशिक रोगों के एक समूह से है जिसमें संचलन यानी चलने फिरने और हिलने डुलने को नियंत्रित करने वाली कंकालीय मांसपेशियों में उत्तरोत्तर कमजोरी आती जाती है और उनका क्षय हो जाता है। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के कई रूप होते हैं, कुछ तो जन्म के समय दिखाई पड़ते हैं जिसे जन्मजात मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है, वही कुछ अन्य रूप किशोरावस्था में विकसित होते हैं। डॉक्टर श्रेया इतने सालों में मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के बारे में अच्छी बुरी सारी जानकारी ले चुकी थी, फेसबुक यूट्यूब रिसर्च कर चुकी थी। ऐसे ही रिसर्च करते करते एक दिन उन्हें यूट्यूब से एडवांस हेल्थ के बारे में पता चला। उन्होंने एडवांस हेल्थ के संचालक डॉक्टर रवि वैरागड़े के वीडियोस देखे जिसमें मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के इलाज के बारे में सकारात्मक बातें बताई गई थी, जिससे वो प्रभावित हुई और उन्होंने एडवांस हेल्थ के सीनियर डॉक्टर आकाश से बात की। लेकिन डॉक्टर श्रेया को विश्वास दिलाना डॉक्टर आकाश के लिए एक चैलेंज साबित हुआ। हमने ऐसे केसेस ऑलरेडी किए हुए हैं, लेकिन फिर भी जब भी हमें ये चैलेंज मिलता है कि एक डॉक्टर ये ट्रीटमेंट करेगा, इस तरह का ट्रीटमेंट करेगा, उसके लिए आप सोच नहीं सकते। हमें एक नॉर्मल पर्सन को समझाने के लिए कि ये ट्रीटमेंट
कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, कैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं, ये बताना नॉर्मल पर्सन के लिए, और एक ऑलरेडी जो मेडिकोज है, जो ऑलरेडी एक MBBS डॉक्टर है, उनको ये ट्रीटमेंट समझाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और उनसे फिर वो एक कन्विक्शन नहीं आता है कि सही में से ठीक होता है, ऐसा भी कुछ होता है। तो ऐसा ही इसके बारे में नहीं बोलते कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये ठीक हो सकती है, ये धीरे 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 करके हमारे मसल्स को वीक करते जाती है। पहले अब ये मसल्स अगर पहले हमारी एक्सट्रीमिटीज में होती है तो वहाँ से वीकनेस शुरू होता है, अगर ये वीकनेस धीरे धीरे और ऊपर आने लगा तो हमारे स्पाइनल लेवल पे, तो उसके बाद में हम चल नहीं सकते हैं, हमारा पूरा जो लोकोमोटरी सिस्टम होता है, हमारा चलना फिरना सब फिर व्हील चेयर पर जाता है। तो ये जो स्टेज है ये धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं, और इसमें और वो खुद मेडिकोज है तो उसको पता था कि ये अभी ठीक नहीं होता है, वो जो जहाँ पर पढ़ती है वहाँ के सीनियर डॉक्टर को भी उसने पूछा था, उन्होंने भी ये गाइडेंस दिया कि अब जब तक चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आप ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, और खुद की मसल स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, यही बताया था। क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये डैमेज करेगा, और आप एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आप बेड रिडन हो जाओगे, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ये उसके माइंड में सेट है। तो ये मेडिकल जो डॉक्टर है ऑलरेडी वहाँ से इनको ये सिचुएशन से बाहर निकालना और ये होप दिखाना कि आप ये ठीक हो सकता है, आप इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फ्रेंकली स्पीकिंग ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद में भी आज भी हमें ऐसा लगता है कि उनके लिए ये सिचुएशन से बाहर निकलना, ये सोचना कि ये ठीक हो सकता है, ये चैलेंज है। तो ये चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया है कि हमें उनको रिजल्ट। नागपुर के एडवांस हेल्थ की ओर से 5 दिनों का रिट्रीट प्रोग्राम लिया जाता है जो खासकर ऐसे ही पेशेंट्स के लिए होता है। इस प्रोग्राम में जेनेटिक और एपिजेनेटिक इलाज किया जाता है, लेकिन फिर भी श्रेया को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी एक आखिरी कोशिश समझकर श्रेया ने डॉक्टरों की हर बात मानी और वो सब करने लगी जो उन्हें बताया जा रहा था। ये है डॉक्टर रवि बैरागड़े, जो भारत के एकमात्र जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड माइंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर रवि बैरागड़े ने ऐसे कई पेशेंट्स का इलाज किया है जो बड़ी से बड़ी जानलेवा बीमारियों से लड़ रहे थे। जो मरीज अपनी बीमारियों की वजह से अपना जीवन डर में बिताते हैं, उन्हें सही राह पर लाने का काम और उनके जीवन में सकारात्मकता लाने का काम डॉक्टर रवि बैरागड़े ने किया है। वो मरीज के दिमाग पर काम करते हैं, उनकी सोचने के तरीके को बदलते हैं और क्षमता को बढ़ाते हैं। जब डॉक्टर रवि बैरागड़े ने श्रेया का केस देखा तो उनके लिए भी किसी डॉक्टर के बीमारियों से संबंधित विचार बदलना ये एक चुनौती ही थी। उन्होंने और एडवांस हेल्थ की पूरी टीम ने आखिर श्रेया के ब्रेन पर काम किया और डॉक्टर श्रेया की बिलीव सिस्टम को चेंज किया। One fine day, we got a call from a doctor, Dr. Shreya. She खुद एक डॉक्टर है, MBBS qualified doctor, and she asked कि सर muscular dystrophy का इलाज हो सकता है? My team member Dr. Akash, the chief consultant, he was answering the call and he told yes, we do. हम इलाज करते हैं muscular dystrophy का। हमने इसके पहले भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इलाज किया है एंड वी कैन डू इट बिकॉज़ वी आर इनटू जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक ट्रीटमेंट। जब मैंने स्टडी किया मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में तो मुझे पहले ही पता था कि बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक सिंगल जीन नहीं होता, सो देयर आर मल्टीपल वैरायटीज ऑफ जीन्स और ये जेनेटिक होता है, ऑटो इम्यून भी होता है। अब जेनेटिक में अगेन दो टाइप हो सकते हैं कि इट रन्स इन फैमिलीज, मतलब परिवार द्वारा वंशानुगत आता है, या फिर आपके लाइफ टाइम में ऐसा कुछ होता है जिससे जीन ऑल्टर हो जाता है। तो जीन ऑल्टर हो गया एंड बीमारी आ गई, तो
अब इसका इलाज कैसे होना चाहिए। अब आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में टिपिकली देखेंगे तो ये मसल्स को इन्वॉल्व होता है, मसल्स को इन्वॉल्व करता है और मसल धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। तो जब हमने डॉक्टर श्रेया से बात की, उन्होंने कहा कि उन्हें सीढ़ी चढ़ने में या कुछ चढ़ाई चढ़ना है या डिफिकल्ट काम करना है या वजन उठाने में तकलीफ होती है, इनफैक्ट वो जब नीचे फ्लोर पे बैठ जाए तो उन्हें उठने में मुश्किल हो जाती है, उठ नहीं पाते अच्छे से। सो इस तरह का प्रेजेंटेशन था एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेसिकली माइंड पे काम किया जाता है, माइंड, और जो हम सोचते हैं वही होता है। और तो जैसे ऑटोइम्यूनिटी में सर ने बताया कि जो हम सोचते हैं वही होता है हमारे साथ, आज नहीं हो जरूरी बट वो दो साल बाद हो सकता है, पाँच साल बाद हो सकता है, तुरंत हो सकता है, कभी हो सकता है। तो यहाँ बेसिकली मैं बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे किया जाता है, बेसिकली माइंड पे काम किया जाता है यहाँ पे। कोई कितना भी पढ़ ले बट कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बियॉन्ड साइंस होती है, बियॉन्ड साइंस, जो जो साइंस भी प्रूव नहीं कर पाया कुछ चीज़ों को, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फिट हो गई, जैसे किसी को रहता है कि मुझे ये करना है और उसके जहन में आ गया कि मुझे करना है तो वो कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं मानती हूँ, पूरा दुनिया इंजीनियर, दुनिया के कितने बड़े बड़े लोग सब बोले कि नहीं कर सकता है, वो पहाड़ नहीं घूम सकता है, बट वो इलिटरेट, उसको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके जहन में था कि नहीं मुझे ये तोड़ना है, तो वो टूट गया, वो इम्पॉसिबल था पूरे दुनिया के लिए, सारे पढ़े लिखे लोग सबके लिए इम्पॉसिबल था, बट उसने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया, सारे पढ़े लिखों को रॉन्ग प्रूव किया, वो पहाड़ तोड़ दिया, वो आज उसकी रूपी भी बन चुकी है। तो वही है कि कितने भी जितनी भी थ्योरीज आई सब आई, हर चीज़ चेंज हो सकता है, हर चीज़ बदल सकता है, इसका आज क्योर नहीं है, पर मे भी कल हो, कोई लोग हो जैसे वो मे भी, मुझे लगता है मे भी आज शायद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की और मैंने नहीं सुनाई थी पेशेंट, मे भी मैं अपने अंदर चेंजेस ला के ये प्रूव कर दूँ कि ये भी ठीक हो सकता है। साइंस तो कहती है नहीं ठीक हो सकता है, या फिर और लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो बोल सकते कि नहीं ठीक हो सकता, बट मे भी कोई अपने जहन उतार के उसको ठीक कर। श्रेया को पहले दिन थोड़ा अजीब लगा, लेकिन पांचवें दिन तक उन्होंने खुद की बॉडी में बदलाव महसूस किए, जिससे उनके विचार सकारात्मक होने लगे और पांचवें दिन तक उन्हें अच्छा रिजल्ट आया। मैंने दो दिन पहले इनसे बात की थी तो उस वक्त भी हम वैसे तो फर्स्ट डे बोलते थे कि आपको सारे डाउट्स निकलना है, आप जितने भी पढ़े लिखे हैं वो सब पढ़ा लिखा हुआ सब साइड में करके आपको ये सारी चीज़ें करना है। स्टिल शी आस्क्ड मी, थर्ड डे उन्होंने सर से बात की, मैडम से बात की, मेरे से भी बात की कि सर आपको क्या लगता है होगा कि नहीं होगा। सो दैट्स हाउ कि जो हम प्रोग्राम होते हैं कि ये नहीं हो सकता है तो इतना डिफिकल्ट होता है ऐसी सिचुएशन में उनको संभालना, उनको बताना कि नहीं ये होता है। और ज़रूर मैं चाहूँगा कि फिफ्थ डे का उनका रिव्यू सुनना कि उसको क्या लग रहा है अब इस इनक्यूरेबल केस के बारे में, इनक्यूरेबल। Then जैसे फर्स्ट डे एंड सेकंड डे एंड थर्ड डे शी वाज डूइंग इट वेरी वेल, सारे स्टेप्स बराबर फॉलो किए उन्होंने, पर क्या डिस्ट्रॉफी में 5 days में रिजल्ट मिलने वाला था? आई वॉज डाउटफुल। मैंने उन्हें पहले दिन ही बता दिया था आपको फर्स्ट डे में या थर्ड डे में या फिफ्थ डे में रिजल्ट नहीं मिलेगा। उन्हें शायद थोड़ा सा बुरा भी लगा उस समय, क्योंकि बाकी सब पेशेंट को हमने बताया था कि आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको मिलेगा, पैनक्रियाज वालों को मिलेगा, कैंसर वालों को मिलेगा। डिस्ट्रॉफी इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम, तो उन्हें लेट रिजल्ट मिलता है थोड़ा सा टिपिकली, बट शी अंडरस्टूड, शी वाज अ डॉक्टर हरसेल्फ, तो खुद डॉक्टर होने पर उन्हें समझ में आया कि हाँ लेट रिजल्ट मिलना इज ओके, एंड उन्होंने सारे सिस्टम को अच्छे से फॉलो किया। देन फिफ्थ डे मैंने उनके साथ और उनकी पेरेंट्स के साथ कंसल्टेशन किया और उनसे जब बात की तब उन्होंने फिर से समझा, एक्सप्लेन किया कि देखिए 5 days ही बेसिकली आपका बेस तैयार हुआ है, हमने 5 days में कुछ हद तक जीन्स पर काम किया, साथ में इम्यूनिटी को डेवलप किया, अब कुछ हद तक जीन्स पर काम, इम्यूनिटी को डेवलप किया, साथ में कुछ एक्टिविटीज में जो न्यूरो
सेलुलर इंजरी एक्टिविटीज के द्वारा हमने उनके मसल्स को भी स्ट्रेंथ देने की कोशिश की थी। रिजल्ट फिर से जब बात हुई उनका कंसेप्ट थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। आई वाज ओके विद दैट थोड़ा सा बेहतर। देयर वाज अ स्लाइट बेनिफिट जस्ट 2% बट देन 2% बेनिफिट इन जस्ट 5 डेज इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आई विल से इट इज ग्रेट प्रोवाइडेड ही कंटिन्यू जस्ट इमेजिन 2% बेनिफिट अगर हम हर 5 डेज में होने लगा तो 365 डेज एक साल में तो पूरा ठीक हो जाएगी। बट नहीं ऐसा नहीं होने वाला। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज गोइंग टू टेक टाइम बट द प्रॉब्लम हियर वाज इज देयर अ सॉल्यूशन आंसर इज यस। तो एपिजेनेटिक ये ऐसा उपचार पद्धति है ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम जेनेटिक्स पर काम कर सकते हैं। साइंस कहता है इसे मैं नहीं कहता और जब साइंस कह रहा है तो हमने फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए। सी वी आर ह्यूमन बींग्स कहते हैं कि हम सबसे अकलमंद प्राणी है वी आर इंटेलिजेंट पीपल देन देयर इज अ साइंस कॉल्ड एपिजेनेटिक्स व्हाई नॉट यूज इट। देयर इज साइंस कॉल्ड एज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जिससे हम इम्यूनोलॉजी पर काम कर सकते हैं हम उससे यूज क्यों नहीं करते। ये साइंस सारे शोपीस के थोड़ी बने हैं इसे इस्तेमाल करना चाहिए रिजल्ट्स लाने के लिए और आपकी हेल्थ में ये साइंसेस एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साइको ऑन्कोलॉजी अगेन कहता है कि माइंड और कैंसर का संबंध होता है व्हाई नॉट यूज इट। तो हमने इस 28 सालों की जर्नी में ये सारे साइंसेस को एक साथ किया है और इसको ऐसे इंटीग्रेट किया है कि ये आपको इंस्टेंट चेंजेस दिखाने की इंस्टेंट रिजल्ट देने की काबिलियत रखते हैं। Results are absolutely promising, wonderful results. Everybody must try this science. तो क्या आप इन sciences जो established sciences हैं, क्या इन्हें explore करने के लिए open हो? या फिर आप अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद करते हुए जिंदगी भर बीमारी को सहन करने वाले? This is the choice. अगर बीमारी choice है, तो याद रखिए, health भी choice है। अब उनकी सकारात्मकता और बीमारी से लड़ने की क्षमता इतनी बढ़ गई है कि वो अपने जैसे बाकी मरीजों को भी हौसला दे सकती है। एक चीज और सीखा कि खुश रहना है कि बाकी मतलब किसी और का स्ट्रेस भी नहीं लेना है ना किसी के बारे सोचना कुछ भी नहीं मतलब एक चीज करना है वो बस खुश रहना है किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है। तो खुश रहना इसी से हमें हेल्दी लाइफ जी सकते।